माहिम सूटकेस से बरामद कटे हुए मानव अंगों की गुत्थी मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 5 ने सुलझाई। 2 दिसंबर को माहिम समुद्र तट से बरामद मानव अंग रहित सूटकेस मामले में क्राइम ब्रांच की जांच के बाद खुलासा हो गया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 5 के पुलिस उपायुक्त शाहजी उमाप ने बताया कि सूटकेस में सांताक्रूज के रहने वाले बेनेट रेबोलो नामक व्यक्ति के अंग पाए गए थे। जानकारी के मुताबिक रेबोलो की हत्या एक संपत्ति विवाद में हुई है, साथ ही लैंगिक शोषण का भी आरोप लगाया जा रहा है। अपराध शाखा ने इस मामले में एक प्रेमी युगल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। इसमें जो मयत है उसकी उम्र 65 साल है और बेनेट रिबेलो ऐसा उनका नाम है। इसमें जब हमने पैरल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उस बैग में हमको जो दो शर्ट मिले। बेनेट रिबेलो मुंबई तथा मुंबई से बाहर के 5 सितारा होटलों में संगीत के कार्यक्रम किया करता था। सांताक्रूज पूर्व के वाकोला मस्जिद के पास यह रहता था। रिबोलो ने कुछ साल पहले एक युवती को गोद लिया था जिसकी उम्र अब 19 साल बताई जा रही है। इस युवती का एक 16 वर्षीय लड़के से प्रेम प्रसंग भी है। बेनेट की संपत्ति पाने के लिए गोद ली हुई युवती ने ही अपने प्रेमी को मदद से अपने ही घर में रिबोलो की हत्या कर दी, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी। हत्या करने के बाद मृत शरीर को 3 भागों में काटकर 3 अलग अलग सूटकेस में डालकर वाकोला से बहने वाली मीठी नदी में फेंक दिया गया था। इसमें से एक सूटकेस माहिम पुलिस को सोमवार को माहिम दरगाह के पीछे समुद्र तट से मिला था। माहिम दरगाह के समुद्र तट पर मिले सूटकेस में मानव अंगों के साथ एक शर्ट, पैंट और हाफ स्वेटर भी मिला था। शर्ट के कॉलर पे अल्मो मेंस वेयर टेलर का निशान था, जिस पर क्राइम ब्रांच द्वारा टेलर को खोजने के बाद कुर्ला पश्चिम के टेलर की दुकान मिली। इसके बाद पूरा मामला साफ होता चला गया। मामले में पुलिस उपायुक्त शाहजी उमाप के आदेश पर सह पुलिस आयुक्त संतोष रस्तोगी और सह पुलिस आयुक्त नेताजी भोपड़े के निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जगदीश साहिल, पुलिस निरीक्षक योगेश चौहान, सहायक पुलिस निरीक्षक महेंद्र पाटिल और दस्ते ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर प्रेमी युगल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने बेनेट रिबोलो की हत्या का आरोप कबूलते हुए हत्या से जुड़ी सारी हकीकत बयान कर दी है। आरोपियों ने बताया कि बेनेट ने दत्तक ली हुई बेटी के साथ लैंगिक शोषण करने की कोशिश की थी, जिसके बाद युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रिबोलो की हत्या कर दी और उसके अंगों को टुकड़े कर नदी में बहा दिया था। संवाददाता नईम शेख के साथ इस्माइल शेख, इंडियन फास्ट ट्रैक।